शारदीय दुर्गा महोत्सव का नवरात्रि का शुरू 15 तारीख से शुरू होगी, 15 तारीख प्रतिपद से लेकर नवमी तक हम लोग का यहाँ का परंपरा हिसाब से दुर्गा पूजा मनाया जाते हैं। इस दुर्गा पूजा का साथ ही प्रतिपद से लेकर नवमी तक कुमारी पूजा भी समर्पण होते हैं। पूजा दुर्गा पूजा का भी इसमें सप्तमी अष्टमी नवमी का दिन में भैंस का भी बोली वगैरह होते हैं, और दशमी का दिन पूजा समाप्त होने के बाद माँ का ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जन भी करा जाते हैं। इस बार हम सुने कामाख्या माता को सजाया जाएगा एकदम नवरात्रि में, जो देखने का वो भी देखेगा, हर इंसान कामाख्या माता को देखेगा जो नवरात्रि कैसा होती है। क्योंकि वैष्णो देवी में हमने बहुत बार देखा, अमरनाथ सब घूम लिए, लेकिन हमको इस बार देखना है नवरात्रि में माता का यहाँ क्या चमके, क्योंकि माता सबसे ऊँचा है। हर हर महादेव। अभी तक माँ ने जो हमें शक्ति दिया है और माँ जो हमसे सेवा ले रही हैं, ये कृपा माँ का है और मंदिर देवालय का है। क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मंदिर देवालय की ओर से हमें ही सबसे पहले मौका मिलता है। तो ये कोई दैविक शक्ति है जो हमसे करवा रही है, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं करवा सकूँ। नवरात्रि तो हम लोग को कामाख्या का दुर्गा पूजा थोड़ा स्पेशल है, अलग है। हम लोग नवरात्रि नहीं, हम लोग कृष्णा नवमी से दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है, और कृष्णा नवमी से शुक्ला दशमी तक ये 16 दिन का पूजा होता है हम लोग को। यहाँ कामाख्या का दुर्गा पूजा थोड़ा स्पेशल है, ये अलग जगह में, जैसे नवरात्रि में कहीं कहीं जगह पति की शुक्ल पतिपत से आराम होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ कृष्णा नवमी से स्टार्ट हो जाता है।